हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला लेक्चर मानिए, जिसमें आपको सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक रहा, ये देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री का, यानी आपको डिटेलिंग मिलेगी सारी की सारी प्री की। पर आप ये मत सोचिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्री की डिटेलिंग मिलेगी, क्योंकि कोई भी सेक्शंस जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ प्री की नॉलेज देता है। क्योंकि जैसे ही हम मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में बहुत सारे सेक्शंस वही हैं, बट उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एलिब्रेशन होता है कि उस सेक्शन को आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मेंस के फॉर्म में। तो देखिए, इसमें जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें मेंस में भी प्रोवाइड होंगी और फ़ायदा करेंगे। मेंस की क्लास में क्या होता है कि मेंस में आपके उसी चीज़ों को और इलिब्रेट किया जाता है और डिटेल्स में बात की जाती है हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में। प्री में क्या होता है, प्री में आपने कोई भी सेक्शन है वो उस तरीके से आपको रखना होता है। या क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम प्री का पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। अब वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ए होगा, या फिर बी ऑप्शन होगा, सी होगा, या डी होगा। तो नंबर एक होता है कि इन चार में से एक तो सही है, यानी हमारे सामने आंसर दिखता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम चीज़ें जानते रहते हैं, तो वहाँ पे हमको एलिमिनेट करने में आसानी होती है, क्वेश्चन पता करने में आसानी होती है। तो ये क्या हमको करेगा, ये हमको उसी चीज़ में ज़्यादा हेल्प करेगा, ये हमारी क्लास। तो आज की जो ये क्लास है, ये है आपके संविदा अधिनियम की क्लास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। मैं ज्ञान नारायणा, मेरा पूरा नाम है, और आप सभी लोग मुझे ज्ञान सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे आज, यहाँ पे ये सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पहली ही है, वैसे नहीं मैं पढ़ाता हूँ, बट ये आपकी पहली क्लास है। तो ये रही आपकी क्लास का ये, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने एक 15 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, तो ये जानिए कि ये बोर्ड अगर आपने ऐसे ही याद कर लिया जितना ये लिखा हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं, तो कम से कम 15 क्वेश्चन इसी बोर्ड से पूछे जा चुके हैं आज तक आपके प्री एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएससी प्री के एग्ज़ाम में। यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग फिर शुरू करते हैं संविदा अधिनियम को। मेरे ख्याल से ट्राई तैयार होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये, आपके पास बेयर एक्ट ज़रूर होनी चाहिए। बेयर एक्ट के बिना ना मैं पढ़ाऊँगा ना आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें इतने इलस्ट्रेशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं हर चीज़ नहीं लिख पाऊँगा। और जितनी चीज़ें लिखूँगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आपको डायरेक्शन देगी कितनी है, क्योंकि वो जो शब्द टू शब्द लिखे होते हैं वो भरने में तो पता लगा एक सेक्शन खत्म। तो इसलिए आपके पास बेयर एक्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए फिर प्ले स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोग ने जान लिया ये 15 क्या है, ठीक। अब भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ये आपका एक्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1872 का एक्ट है। चलिए, अधिनियम संख्या ये 9 है, आप सभी लोगों को अधिनियम संख्या बता देते हैं। जैसे ये 1872 में किस नंबर पे इस अधिनियम को कंसेंट मिला, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, कोई बिल आया तो बिल कहाँ जाएगा, या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। कोई भी बिल लाया गया तो पहले लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से, फिर लोकसभा से, फिर गया राष्ट्रपति के पास कंसेंट लेने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने उसे क्या दे दी, कंसेंट दे दी। तो जिस नंबर पे इस बिल को, क्योंकि पहले बिल रहा होगा बाद में ये एक्ट बना, तो इस बिल को किस नंबर पे कंसेंट दी, तो अधिनियम संख्या 9, मतलब उसके पहले 8 को दे चुके थे, 9वां नंबर आपका ये था। तो अधिनियम संख्या ये 1872 का अधिनियम संख्या 9 है, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, तो थे कौन, गवर्नर जनरल रहे होंगे, ठीक। तो 25 अप्रैल 1872 को ये क्या हुआ, कंसेंट मिली
गवर्नर जनरल यहाँ पे 25 अप्रैल 1872 को। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? स्पष्ट हो रहा होगा? हाँ ठीक है। अब देखिए ये कैसी विधि है, तो हम लोग ने सुना होगा एक प्रक्रिया विधि होती है, एक मौलिक विधि होती है। तो प्रक्रिया विधि का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो क्या नाम लेंगे? चलिए सीआरपीसी नाम ले लिया। और क्या नाम ले लेंगे? चलिए सीपीसी नाम ले लिया। ठीक, तो ये क्या है, ये प्रक्रियाएं बताती हैं। बट अगर हम लोग मौलिक विधि की बात करेंगे तो क्या लेंगे नाम हम लोग? आईपीसी ले लेंगे। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान अधिनियम क्या है? एक मौलिक विधि है। और जब भी कभी कोई मौलिक विधि की बात आएगी तो वो भूतलच्छी प्रभाव नहीं रखेगी। आप कहेंगे सर भूतलच्छी प्रभाव क्या है, क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए ठीक है बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 चल रही है, चलिए ठीक, 1 जनवरी 2022 को कोई एक एक्ट लागू हुआ, यहाँ तक क्लियर है? अब इस एक्ट को जब 1 जनवरी 2022 लागू हुआ, तो अगर किसी ने कोई अपराध किया होगा 2 तारीख को, 2 जनवरी को, तो उसको सजा मिलेगी। मान लीजिए उसने 31 दिसंबर 2021 को कोई अपराध किया, अभी ये एक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, एक्ट कब आ रहा है? 1 जनवरी 2022। तो क्या इसको भी सजा मिलेगी? तो नहीं, इसको सजा नहीं मिलेगी। मतलब मिस्टर ए ने यहाँ पे अपराध किया, मिस्टर बी ने यहाँ अपराध किया, तो क्या मिस्टर ए को जब ये अधिनियम लाया गया तो सजा मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि मौलिक विधि है। तो मौलिक भूत लच्छी यानी पहले, भूत मतलब भूत भविष्य वर्तमान, तो भूत का मतलब क्या है? भूत लच्छी प्रभाव नहीं रखती। क्लियर है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये विधि कौन सी है? मौलिक विधि है और भूत लच्छी प्रभाव नहीं रखती। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, ओके। चलिए संविधान अधिनियम पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए हम लोग को टोटल सेक्शन 238 पढ़ने हैं। अब काफ़ी लोगों को टेंशन हो गई होगी यार इतना ज़्यादा, एक तो आईपीसी सीआरपीसी और बहुत सारे एक्ट हैं, इतना तो रुक जाइए। आपको पढ़ने क्या हैं? 1 से लेके 75 तक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संविदा के सामान्य सिद्धांत, मतलब जो नॉर्मल संविदा के सिद्धांत हैं वो आपको 1 से लेके 75 तक मिलेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है? 124 से लेके 238 तक। अब यहाँ आप क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ आप पढ़ेंगे विशिष्ट संविदाएं। कहेंगे विशिष्ट संविदा क्या होती है? तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि क्षतिपूर्ति की संविदा, किसी का कुछ नुकसान हो गया, लोग नहीं कहते हैं कि भैया हमारी गारंटी ले लीजिए या फिर वारंटी गारंटी वगैरह वगैरह। प्रत्याभूति की संविदा, ठीक है, गिरवी, उपनिधान, तो ये सारी की सारी कैसी संविदाएं होंगी? विशिष्ट संविदाएं। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, तो बीच के सेक्शंस कहाँ गए? अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, बीच के सेक्शन कहाँ गए? तो आ जाइए यहाँ पे, आपके बीच के सेक्शन कहाँ गए? तो क्योंकि हमेशा क्या होता है, समय एक जैसा नहीं होता। बना कब? 1872 में कुछ चीज़ें चेंज हुई, कुछ चीज़ें नहीं आई। अब वहाँ पे क्या होगा, संविधान अधिनियम काफ़ी बड़ा था, 1 से लेके 238, या बहुत सारे और सेक्शन ऐड थे इसमें। तो लोगों को लगा, जो हमारे अंग्रेज भाई साहब लोग थे, क्योंकि 1930 में भी अंग्रेज भैया लोग थे और 1932 में भी लोग थे, तो उन्होंने क्या लगा कि यार ये बहुत लेंदी हो रहा है, तो हमें जो प्रावधान कुछ इसमें दिए गए हैं इससे निकाल के एक सेपरेट से एक्ट बना देते हैं। तो इन्होंने क्या निकाला? सबसे पहले निकाला आपका सेक्शन 76 से लेके 123, ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निकाला और डाल दिया किसमें? भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 बना डाला। यानी ये चीज कहाँ से आई है? इसी में से निकल के आई है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा है सेक्शन 239 से लेके 266 तक, ये भी कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, तो यहां से ये जो बाद में थी यहां से टूट के कहां आ गई, ये भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यहां पे ऐड कर दी गई। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोगों को ये दो लोग दिख रहे होंगे भैया लोग, इनका अभी हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा बाद में। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आपको क्लियर हो गया, आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम लोग को संविधान के समान सिद्धांत पढ़ने हैं, विशिष्ट संविधाएं पढ़नी हैं, जैसे बाकी सब प्रत्याभूति गिरवी वगैरह वगैरह, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या एक और चीज़ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले किसी भी जो अधिनियम होता है उसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई अधिनियम बन ही नहीं सकता। मतलब उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, बनाने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे जो आपको प्री के हिसाब से पढ़ना है, इसको और भी एलिबरेट कर सकते हैं बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको मेंस में लिखना नहीं है, तो आप इस दो शब्द को उद्देशिका के रूप में याद कर लीजिए कि इसमें परिभाषित शब्द दिया गया है और दूसरा संशोधित शब्द दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इस भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के उद्देशिका में कौन कौन से शब्द हैं, उद्देशिका में कौन से शब्द हैं, तो आपको परिभाषित और संशोधित लगाना है। अब उसमें आएगा परिभाषित, संशोधित और समेकित, तो समेकित शब्द नहीं, ठीक है, कोई और शब्द जोड़ देगा तो भी नहीं, आपको ये दो शब्द याद रखते हैं, ये है इनकी उद्देशिका। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना एक्ट शुरू करने। यहां तक क्लियर है, ये एक्ट अभी शुरू नहीं हुआ था, ये आपको एक तरीके से ओवरव्यू था, हम लोग पढ़ना क्या है, कितना सेक्शन है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए कंसेंट मिली है 25 अप्रैल 1872, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, कंसेंट से रिलेटेड है, लागू होने से नहीं, इन्फोर्समेंट डेट दूसरी है। चलिए यहां बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 आपका सबसे पहला कहता है कि नाम क्या होगा, क्योंकि किसी भी, क्योंकि क्या है आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक नाम होगा तभी तो हम लोग जानेंगे, तो कहीं तो वो सेक्शन लिखा होगा, तो आपका नाम सेक्शन 1 में दिया गया है, नाम भारतीय संविधान अधिनियम 1872। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं क्या है भारतीय संविधान अधिनियम, तो ये इसका कंप्लीट नाम नहीं है, नाम यहां तक लिखने पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान अधिनियम साथ में उसकी ये डेट लिखनी होती है तब जाके क्लियर होता है कि ये किस डेट की है। जैसे जैसे सीआरपीसी है और उसकी भी 1973 का है, तो उसी हिसाब से उसके पहले की कुछ सीआरपीसी रही होंगी तो उसमें भी सन होगा, तो कौन सी सीआरपीसी क्लियर नहीं होता, तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको पूरा का, मतलब कोई भी आपको एक्ट होगा उसको आपको पूरा का पूरा डेट वाइज लिखना है जो इनका ईयर दिया होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इनका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 के पहले की, तो क्वेश्चन जो आपका पूछता है उसमें पूछता क्या है कि भैया कहाँ लागू थे कहाँ नहीं, तो उसके पहले क्या आंसर आता था, इसके पहले आता था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, क्लियर है। बट यहाँ पे अब क्या हो गया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से, क्योंकि क्या हुआ जम्मू कश्मीर रिफॉर्म का बिल आ गया, 370 खत्म, 35A खत्म, मतलब 371 मतलब खत्म नहीं हुआ है टोटल, उसमें ए वाला छोड़ के बाकी नीचे के प्रावधान खत्म किए गए हैं। तो वहां पे क्या किया गया, अब जितने भी एक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो रहे हैं, तो अब इसका आंसर क्या होगा संपूर्ण भारत। क्लियर है कि इसका विस्तार कहां तक है, तो संपूर्ण भारत में है। अगला प्रवित, किस डेट को ये इन्फोर्स हो गई, तो जो डेट है वो है सितंबर प्रथम दिन 1872 को ये क्या हो गई है इन्फोर्स हो गई है। चलिए
फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 इन्फोर्समेंट डेट है, ठीक। चाहे इंग्लिश में आए तो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 लिखिए, या फिर जो भी, या फिर क्या है, सितंबर प्रथम दिन 1872, क्लियर है, ये आपको लिखना है। अब ये रहा व्यावृत्ति, अलग से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। अगर बेयर एक्ट उठाएंगे तो मैं पढ़ दे रहा हूँ बेयर एक्ट में, इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद् द्वार अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए गए किसी स्टैट्यूट अधिनियम विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर, अथवा किसी संविदा की प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो प्रभाव न डालेगी। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी और लास्ट में बोल दिया कि असंगत न हो प्रभाव नहीं डालेंगी, आदमी कंफ्यूज। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ ये बोल रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक्ट लेते आया गया है तो किन किन चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो विधि बनी हो उस पे अधिनियम, ठीक, विनियम के उपबंध और कोई व्यापार जिसमें प्रथा या रूढ़ी चली आ रही हो, क्या इस पे ये इफेक्ट डाल देगा ये एक्ट? तो ये कह रहा है कि इन लोगों पे ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। चाहे कोई संविधि हो, अधिनियम हो, विनिमय के उपबंध हो, व्यापार जिसमें प्रथा और रूढ़ी पहले से चली आ रही हो, इन सारों में पहले से कुछ ना कुछ चला आ रहा है तो उस पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये एक्ट, क्योंकि इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें व्यापार संबंधी चीज़ें भी आ जाएंगी कि कब व्यापार पे आप रोक लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ें, तो इस पे ये एक्ट आपका भारतीय संविदा अधिनियम 1872 इफेक्ट नहीं डालेगा, क्लियर है, हो ठीक है। अच्छा, अगर मैं धीमे पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ठीक नॉर्मल वे में पढ़ाऊँ, अगर धीमा आपको लगता है तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निर्वचन खंड की। अब निर्वचन खंड किस लिए भाई? तो हमने पढ़ लिया ये, हमने पढ़ लिया सेक्शन वन। अब कुछ न कुछ परिभाषाएं होती हैं, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, तो उस शब्द को हमको समझना भी होगा कि कौन से हैं वो शब्द, कौन से नहीं हैं। तो ये क्या है, ये आपका निर्वचन खंड है सेक्शन टू, यानी जितनी भी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं वो सब आपको कहाँ मिलेगी? ओह सॉरी, ये सब आपको मिलेंगी सेक्शन टू में, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभी तीन ही लिख पाया हूँ, जगह नहीं थी, बता देता हूँ। सबसे पहली बात करेंगे प्रस्थापना की। आप कहेंगे सर दो लोग तो यहाँ आपने बड़ी देर से बना रखे हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, चलिए आइए अब इनका इस्तेमाल करते हैं, वैसे इनको यहाँ बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है। प्रस्थापना, आपने बहुत देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को जाके प्रपोज करता है, ठीक है, लड़का होगा लड़की को करेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो जाके फिल्मों में क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं। तो प्रपोज का अर्थ क्या, ठीक है, यही प्रपोजल है। तो प्रपोज का मतलब क्या होता है, वो क्या कहता है कि सामने वाली लड़की उसको हाँ बोल दे, इसीलिए तो प्रपोज किया है, वो इसलिए तो करता नहीं कि वो ना बोले। यानी यहाँ पे क्या है, सामने वाले के दिल में जो कुछ भी अपनी इच्छा रखा हुआ है वो सामने वाले को किस लिए बोल रहा है कि आप मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आइए, एक व्यक्ति, सेक्शन 2A में प्रस्थापना बताई गई है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पे ए, इन्होंने क्या किया है, कुछ करने की या न करने की। अब देखिए उस वाले गुलाब वाले में तो भाई करने के लिए ही आएगा, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे ये व्यक्ति इनसे चाह रहे हैं कि ये कोई काम करें या काम न करें, जो वो कर रहे हैं वो न करें या फिर जो कर रहे हैं वो करें। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक, उसके सामने से बार बार वो कोई व्यक्ति जाके और गाड़ी से ले जाके उसके ज़मीन पे से कुछ लेते जाता है, तो उसको क्या होती है, दिक्कत हो रही है। तो उसने क्या किया, उनको कहा भैया
कि आप मुझसे कुछ पैसे ले लो, इधर का आप रूट छोड़ दो, ठीक है। तो इनका इन्होंने क्या किया, कुछ ना करने की प्रस्थापना की। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसा ही हल्का ही हो, बट फिर भी क्या है, इन्होंने इससे क्या कहा, आप इस रास्ते का इस्तेमाल मत कीजिए, इधर आने जाने मुझे दिक्कत होती है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, आप अल्टरनेट यूज रूट यूज कर लीजिए, मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए, ठीक है। या इन्होंने कोई और ऑफर किया हो, इनको अच्छा लगता तो वो काम क्या करेंगे, अब ये काम नहीं करेंगे, इस रास्ते का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, करने वाला तो क्लियर होता है कि आपने मुझसे कहा पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है, और आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये तो करने वाला हो गया, न करने वाला क्या। तो वही चीज़ है कि जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है उससे मैं क्या कहूँगा कि भैया आप मुझसे कुछ सामान ले लीजिए और ये काम मत कीजिए, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है मिस्टर ए है, ठीक। वो मिस्टर बी से क्या कहते हैं कि आप कुछ करें या फिर ना करें, कुछ करने या ना करने की इनकी इच्छा थी ना कि वो करे या ना करे, अपनी इच्छा। क्या किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति कौन है, मिस्टर बी है, तो क्या कहता है, अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को कहता है, ठीक। अभी मैं इसका बेयर एक्ट भी पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ कहता है तो इसका उद्देश्य क्या है, जो वो कह रहा है इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कहने का, कि सामने वाला व्यक्ति हाँ बोले, चाहे कुछ न करने के लिए भी वो हाँ बोले, कुछ करने के लिए भी वो हाँ बोले, ठीक है। प्रपोज करने जा रहा है तो वो क्या होगा कि भाई लड़की उसको हाँ बोले, इसीलिए तो प्रपोज कर रहा हो ना, कौन जाएगा मार खाने बिना बात के, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सामने वाला व्यक्ति हाँ बोले, यानी क्या दे, अनुमति मिले उसको। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसने क्या किया है, प्रस्थापना की है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, सेक्शन 2 का ए, आप लोग भी अपने बेर एक्ट में लिखिए, मतलब देखते रहिए। क की एक व्यक्ति, ओ सॉरी, क जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की, देखिए करने या करने से क्या होता है, मना करने की प्रवृत्ति, मतलब हट मत कीजिए आप, ठीक है, प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को, अपनी रजामंदी मतलब अपनी इच्छा किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, किसी अन्य व्यक्ति से क्या कर रहा है, संज्ञापित कर रहा है, मतलब कहना कहता है कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति, या जो वो कार्य है या जो करने से मना कर रहा है, ठीक है, उस अन्य को अनुमति अभी प्राप्त करे, ठीक है। प्रवृत्ति से प्रति, अब जो वो कह रहा है कुछ करने को या फिर नहीं करने को, उससे क्या कह रहा है कि सामने वाला व्यक्ति उसे अनुमति दे दे कि हाँ ठीक है मैं करूँगा या फिर नहीं काम करूँगा ये, ठीक है, या तो कुछ काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, हाँ ही तो करेगा कि ठीक है भैया आपको दिक्कत हो रही है, मैं इस रास्ते का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक। तो यही कह रहा है कि अपनी क्या हो रहा है, अन्य की अनुमति अभी प्राप्त करे तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाएगा। तो प्रपोजल का मतलब है कि एक व्यक्ति ने कुछ करने के लिए या न करने की अपनी जो इच्छा होती है वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को कहता है, ठीक। और जब ये ऐसा कहता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कहने का, कि सामने वाला जो भी व्यक्ति हो वो उसको हाँ बोल दे, ना के लिए नहीं। तो ये क्या हो रहा है, उसको अनुमति दे रहा है, ठीक मैं ये काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये अपनी इच्छा क्यों व्यक्त कर रहे हैं, ताकि सामने वाले की परमिशन मिल जाए, इनको एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो ये क्या कहा जाएगा, जो ये प्रोसेस कर रहे हैं इसी प्रोसेस को बोलेंगे प्रस्थापना, ठीक है। चलिए आइए सेक्शन 2 के बी में आते हैं, ये प्रतिग्रहण, ठीक। अब प्रतिग्रहण क्या है, ठीक, इन्होंने कहा कि भाई आई लव यू, ठीक, क्लियर है, इन्होंने कहा आई लव यू, यानी क्या हुआ, इस व्यक्ति ने कहा, मिस्टर ए ने कहा है, तो बी की बारी है, तो यहां पे बी के बारे में बात होगी अब, ठीक है, बी के बारे में, जिससे प्रस्थापना की गई, ठीक है, जिससे प्रस्थापना की गई। तो प्रस्थापना किससे की गई है,
बीस भाई साहब से प्रस्थापना की है। किसने की है? ए भाई साहब ने, ठीक है, कि वो अपनी अनुमति संज्ञापित करें, मतलब हाँ बोल दें। यही तो है कि इन्होंने प्रस्थापना की है किस चीज़ के लिए, कि अपनी अनुमति संज्ञापित करें हाँ बोलने। तो क्या होगा जब वो हाँ बोल देंगे, तो वही क्या मान लिया जाएगा कि उन्होंने प्रतिग्रहण कर लिया है। हाँ बोलते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप ये कलम खरीदेंगे। आपने बोला हाँ सर आपकी कलम है मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या किया, प्रस्थापना, क्या आप ये कलम खरीदेंगे? आपने बोला हाँ ये कलम खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिग्रहण आपने कर लिया। आपने क्या किया, प्रतिग्रहण कर लिया, अपनी जो ये क्या थी, अनुमति थी, वो मुझे दे दी कि हाँ मैं खरीदूंगा। अब ये मैं किसी और को बेचूंगा? नहीं, मैं आप ही को बेचूंगा। तो यही चीज कहने की कोशिश कर रहा है सेक्शन 2B। इन्होंने इनसे कुछ कहा, इन्होंने कह दिया हाँ मैं ऐसा करूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी अनुमति संज्ञापित कर दी। पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बी, सेक्शन 2 का बी, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, अनुमति मतलब कि हाँ मैं करूँगा, अनुमति संज्ञापित करता हूँ, हाँ मैं करूँगा या फिर नहीं करूँगा, दोनों में से कोई भी चीज़, वो मतलब उसे हाँ बोलना है, ठीक है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। कि जब उसने कह दिया कि हाँ मैं करूंगा, तो क्या हुआ, ये प्रस्थापना प्रतिगृहित हो गई, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया, कहा जाता है। प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। अब ये वाली लाइन क्या है, तो इन्होंने प्रस्थापना किया, इन्होंने हाँ बोला, तो जैसे ही हाँ हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया वचन में, प्रॉमिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में चला गया, प्रॉमिस बन गया। अब आप कहेंगे सर सेक्शन 2B में प्रॉमिस की परिभाषा बताई गई है या सेक्शन 2B में प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस की परिभाषा बताई गई है? तो आप जान जाइए सेक्शन 2B में, 2B में वचन और प्रतिग्रहण दोनों शब्दों की परिभाषा बताई गई है। क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ पे वचन और प्रतिग्रहण दोनों शब्दों की परिभाषा है। जिस समय आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर प्रतिग्रहण आता है तो भी आपका 2 का B लगेगा, आपका वचन की बात आती है तो भी क्या लगेगा, सेक्शन 2 का B लगेगा, ठीक है। मैंने इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, सेक्शन 2E करार के बारे में बात करता है। देखिए, तो अब ये देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है, इन्होंने कुछ कहा कि आप ये काम मत कीजिएगा, आप मुझसे पैसा ले लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है आप पैसा दे दीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं उसमें कंसिडरेशन एक दूसरे के प्रति हो गया, ये काम नहीं करके कंसिडरेशन दे रहे हैं और ये उनको कुछ पैसे देंगे जिसके कारण से उनका फुलफिल हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या आप कर रहे हैं, जैसे ही इन्होंने क्या किया, प्रतिग्रहण किया, और प्रतिग्रहण में थोड़ा बहुत भी प्रतिफल जैसे ही जुड़ा, क्योंकि इनका जो इन्होंने कहा वो हाँ बोले तो इनके लिए प्रतिग्रहण हो, मतलब वो हो गया, प्रतिफल हो गया, और इन्होंने इनको जो पैसा दिया वही प्रतिफल हो गया। तो ये क्या बन जाता है, ये करार बन जाता है। ये अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये हल्का सा इसी में एड ऑन था जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें ये भी आपका इंक्लूड है कि प्रतिफल मिलते ही वो क्या हो जाता है, जैसे ही सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो भी आप कंसिडरेशन देना चाह रहे हैं उसके लिए भी तैयार है, और जो वो आपको कंसिडरेशन देना उसके लिए भी तैयार है। तो वो तुरंत के तुरंत किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, करार में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये अभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये आपको अभी सेक्शन जब 2E पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बट ये जानिए कि आपके सेक्शन 2B में प्रतिग्रहण है और वचन है, और जैसे ही प्रतिफल मिलता है वो करार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 2C की। अब देखिए, बात हो रही है प्रस्थापना की, यानी प्रपोजल की, ठीक। तो प्रस्थापना की बात चल रही है, प्रस्थापना करने वाला कौन था, करने वाला प्रस्थापना ए, ठीक। और
ग्रहण करने वाला, जिसे हम लोग प्रतिग्रहण भी बोलते हैं, वो कौन है? मिस्टर बी है, ये ए है। तो सेक्शन 2C में किस चीज की परिभाषा बताई गई है? तो सेक्शन 2C में वचनदाता और वचन ग्रहिता शब्द की परिभाषा बताई गई है। तो जब हम बात करेंगे कि कोई प्रस्थापना जो करने वाला है, तो वो क्या हो रहा है? वो दाता हो जाएगा, वचन दे रहा है सामने वाले को कि आप ये कीजिए या न कीजिए, मैं आपके साथ जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हूं। वचन दे रहा है वो, तभी सामने वाला क्या कर रहा है? उसको ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने वाला, प्रतिग्रहण करने वाला, वचन ग्रहिता। तो आप ये हमेशा याद कर लीजिए, सेक्शन 2C में वचनदाता और वचन ग्रहिता की एक्सेप्टेंस बताया, मतलब वो बताई गई, परिभाषा बताई गई है। और आपको याद भी किस तरीके से हो जाएगा? जो ग्रहण कर रहा है या फिर प्रतिग्रहण कर रहा है, वही क्या होगा? वचन ग्रहिता होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये कहीं भी कुछ छूट नहीं रहा है, आई थिंक आपको पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरी की पूरी क्लास। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको है, ये आपका पहला लेक्चर था। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इससे आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आपके प्रिय, आप जो भी अगर घटना चक्र किसी ने भी ली होगी तो आप चेक कीजिएगा, आपके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।